Hello, my dear students. I, Rupali Singh, again welcome you all in our channel Super Epics Academy. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. सर ये ऑन नहीं है, इसको ऑन कर दवा दीजिए. ठीक है, चलिए अभी आपके कमेंट्स में नहीं देख पा रही हूँ तो मैं सेशन तब तक आपका स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, तो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ क्या है आपकी. ठीक है, चीन ने 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है. चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस 9 सैटेलाइट्स. ठीक है, तो चाइना ने क्या किया है, अभी 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है येलो सी से. ठीक है, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, ये इन्होंने लॉन्च किया है येलो सी से. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है, ओशियन प्लेटफॉर्म है इनका येलो सी में, वहाँ से इन्होंने लॉन्च किया है. और जो रॉकेट का नाम है जिससे इसको लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 11. ठीक है, लॉन्ग मार्च 11. तो इसके अलावा आपकी ये जो चाइना है, इसने अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा था कि इसने रीयूजेबल सैटेलाइट भी लॉन्च की थी. जी हाँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसने क्या किया है, एक और सक्सेसफुली 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है. जी, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन यादव, नीता, सोनू, अंशु, उपेंद्र, अरुण कुमार, प्रशांत, सतीश, रतन, उमंग सिंह, सर्वेश भास्कर. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे. नेक्स्ट आपकी न्यूज़ क्या है, राज्यसभा ने पारित किया एयरक्राफ्ट विधेयक 2020. राज्यसभा पासेस एयरक्राफ्ट बिल 2020. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो राज्यसभा है उसने एयरक्राफ्ट बिल को लॉन्च किया है जो कि अमेंड करेगा एयरक्राफ्ट बिल 1934 को. ठीक है, एयरक्राफ्ट बिल 1934 का अमेंडमेंट करेगा एयरक्राफ्ट बिल 2020. अगर हम बात करते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर की तो वो कौन है आपके, वो हैं आपके हरदीप सिंह पुरी, सिविल एविएशन मिनिस्टर. ठीक है, और ये कौन है आपके, ये हैं हरदीप सिंह पुरी. क्लियर है, चलें. तो मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है, एक बार यस कर दीजिएगा. सर ये स्क्रीन फिर से चली गई है. जी हाँ, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र, मोहित, शुभम, वेरी गुड मॉर्निंग. वीरेंद्र सिंह बता रहे हैं माई लाइफ इन डिज़ाइन बुक गौरी खान की है. ओके, टाटा कंपनी विल बिल्ड न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, वेरी गुड. ओके, रंजीत जुड़ चुके हैं, रजनी, उपेंद्र, चंदन. ओके, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है. तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट न्यूज़ पे. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है आपकी, देखिए अभी हिंदी दिवस हमने मनाया है 14 सितंबर को. ठीक है, तो हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में एक नई इमारत का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया. ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड अ न्यू बिल्डिंग एट अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है, अब आपका जो हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है. ठीक है, किस ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो 343. ठीक है, अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, संविधान के जो आर्टिकल 343 है इसके, जी हाँ, इसके इसमें लिखा गया है आपका कि जो हिंदी है उसकी जो देवनागरी लिपि है उसको हम अपने जो देश है उसकी राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं. ठीक है, तो चलिए ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. और टोटल अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करें तो वो कितनी हो जाती हैं, 22. तो इसी के अवसर पर, ठीक है, आपके हिंदी दिवस के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की कैपिटल क्या है आपकी, 343 to 351. जी बिल्कुल. ठीक है, तो यहाँ वहाँ की कैपिटल क्या है आपकी, भोपाल, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल. तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर है. ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे. नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है,
2020-21 में रक्षा सेवा अनुमान के तहत सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण के लिए 90,048 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है. एन अमाउंट ऑफ रुपीज 90,048 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द कैपिटल एक्विजिशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज अंडर डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स इन 2020-21. ठीक है, तो ये आपकी अभी हाल ही की न्यूज़ है जिसमें कि आपको डिफेंस सर्विसेज के लिए 90 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसको आवंटित किया गया है. जी, तानाशाह किंग जोंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. गुड मॉर्निंग किंग जोंग. ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका इस क्लास को अटेंड करने के लिए. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे. ठीक, अब देखिए यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ है ये सारी टॉप 10 न्यूज़ है आपकी. ठीक है, ये एकदम क्रीम है और ये टॉप 10 न्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. जी राजेंद्र, गुड मॉर्निंग. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. द डॉन ऑफ अ न्यू मिडल ईस्ट की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच ऐतिहासिक राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज़ को आपस में जो है वो यूनाइट करने का काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी पहल में आगे बढ़ते हुए ठीक है अब्राहम अकॉर्ड के तहत, ठीक है अब्राहम एग्रीमेंट के तहत, समझौते के तहत जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और इसराइल इन तीनों का जो है वो क्या किया है आपका यूनिफिकेशन किया है, आपसी समझौते पे हस्ताक्षर करवाए हैं. ठीक, तो अब अगर हम बात कर लेते हैं इसराइल की, तो इसराइल की कैपिटल क्या हो जाएगी, यरूशलेम. ठीक है, इसकी आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, न्यू शेकेल. और यहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू. चलिए अब बताइए यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल करेंसी का नाम. जी प्रिया गुड मॉर्निंग, खालिद आजमी गुड मॉर्निंग, शिवम कनौजिया गुड मॉर्निंग, शीतल त्रिपाठी वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, आप सभी का वेलकम है इस क्लास में. जल्दी से मुझे यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल और करेंसी बताएं कमेंट में. और साथ ही में आपको बहरीन की भी बतानी है. प्रियंका कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग, एसकेडी सर गुड मॉर्निंग सर. जी बताएं यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल और करेंसी. अरविंद गुड मॉर्निंग, विनोद गुड मॉर्निंग. जी हाँ, अब भी अबू धाबी एंड दिरहम, वीरेन ने आंसर किया है वेरी गुड. ठीक है, ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ. यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है आपकी, अबू धाबी. और यहाँ की जो आपकी करेंसी है वो क्या है, दिरहम. ठीक है, बहरीन की बात करिए, बहरीन में बताइए इसकी कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है. ठीक है, अबू धाबी, प्रिया आंसर कर रही हैं वेरी गुड. ठीक है, तो इसकी जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, मनामा. और इसकी जो आपकी करेंसी है बहरीन की वो क्या है, दिनार. ठीक है, याद रहेगा आप सभी को आई थिंक. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे. नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भाजपा ने 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए सेवा सप्ताह नामक सप्ताह भर का अभियान शुरू किया है. बीजेपी हैज लॉन्च्ड अ वीक लॉन्ग कैंपेन नेमली सेवा सप्ताह टू मार्क द 70th बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विच फॉल्स ऑन 17 सितंबर 2020. ठीक है, तो 17 सितंबर, दैट मीन्स आज का दिन. ठीक है, आज के दिन से आपका एक हफ्ते का क्या चलेगा, अच्छा एक हफ्ते का आपका सेवा सप्ताह दिवस चलेगा. और वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं नेशनल बेरोजगार दिवस मनाएंगे. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 17 सितंबर से, जबकि आज वो 70 साल के हो गए हैं, तब से एक हफ्ते का आपका सेवा सप्ताह दिवस मनाया जाएगा. जी चंदन भी बोल रहे हैं बेरोजगार डे है आज. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए ही आपको अपना अपनी आवाज़ बस पहुँचानी है उन तक कि आपका जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सके. ठीक है, वेरी गुड. खालिद आजमी बोल रहे मनामा एंड दिरहम, कुवैती दिरहम नहीं, कुवैती दिरहम नहीं होगा, ये आपका जो है दिनार होगा. ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर है यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ है कि मेजबान रूस के सामने पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर देश के एक काल्पनिक मानचित्र पेश करने पर सलाहकार का अपमान करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की NSA की बैठक छोड़ दी, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी आज से पहले, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल लेफ्ट द मीटिंग ऑफ NSAs ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स आफ्टर पाकिस्तान डेलिबरेटली प्रोजेक्टेड अ फिक्टिशियस मैप ऑफ द कंट्री इन ब्लेटेंट डिसरिगार्ड टू द एडवाइजरी बाय द होस्ट रशिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो रशिया है उसने रशिया में जो आपका एक बैठक हो रही थी NSA की, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, जिसमें अजीत डोभाल भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपका जो पाकिस्तान है उसने एक गलत मैप दिखाया, मानचित्र दिखाया पाकिस्तान का, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने उस बैठक को वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कौन सी मीटिंग थी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसने मीटिंग से कौन मीटिंग से को छोड़ दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, अजीत डोभाल। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपकी न्यूज़ पे, ठीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्लोबल आयुर्वेद समिट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद समिट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो एम वेंकैया नायडू है, इन्होंने जो आपका ग्लोबल आयुर्वेद समिट है उसके फोर्थ एडिशन को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, जिसकी थीम क्या रही है, इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा, ठीक है। जिसकी थीम क्या रही है, इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा। जी हाँ, राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग राहुल। अजीत डोभाल बता रहे हैं, सुरेंद्र गुड मॉर्निंग, ओके, बलवंत सिंह गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ पे, ठीक। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, नेक्स्ट न्यूज़ है डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना गया है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन रोप्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स, अ सब्सिडरी ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम, ठीक है। तो जो पेटीएम है इसका आपका एक नया सब्सिडरी, एक नई सहायक कंपनी बन रही है, जो कि कौन है, जो कि जो जिसका नाम है आपका पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ठीक है। क्या है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और जिसके कि आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं, सचिन तेंदुलकर बने हैं, ठीक। अगर हम पेटीएम की बात कर लें तो इसका गठन हुआ था 2010 में, ठीक है। अगर हम पेटीएम की बात करते हैं, पेटीएम फर्स्ट गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, पेटीएम की, ठीक है। तो इसका क्या है, 2010 में इसका गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नोएडा में है। इसके फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा, और यही इसके अभी हाल में CEO भी हैं, ठीक है, ओके। धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र। जैनीश गुड मॉर्निंग, जी हाँ, नए राज्यसभा डिप्टी स्पीकर बने हैं हरिवंश नारायण, वेरी गुड वीरेंद्र, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पे, इतनी चीज़ें आई थिंक मुझे क्लियर, आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि तकनीकी दिग्गज अमेजन ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ भारत में एलेक्सा की पहली सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में भागीदारी की है। द टेक जायंट अमेजन हैज़ पार्ट with Bollywood actor Amitabh Bachchan as Alexa's first ever celebrity voice in India. ठीक है, अगर हम बात करें, जी हाँ राहुल जी बता रहे हैं, बजाज अलायंस के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है, वेरी गुड, और विजय शेखर शर्मा उपेंद्र बता रहे हैं कि ये क्या है, आपके CEO हैं पेटीएम कंपनी के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो Amazon कंपनी है, ठीक है, जो Amazon e-commerce कंपनी है, इस कंपनी ने एक स्पीकर लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, Alexa, और उस Alexa को आवाज कौन देगा, वो देंगे हमारे बॉलीवुड के शहंशाह बादशाह आपके अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। तो चलिए हम अमेजोन की अगर बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में,
ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपका वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसका गठन हुआ था 1994 में, ठीक है। और जेफ बेजोस इसके क्या है, सीईओ हैं अमेज़न के। अगर हम सीईओ की बात करें तो वो कौन है, जेफ बेजोस। क्लियर है? तो चलेंगे हम अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, ठीक है। दूसरी चीज़, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन हो सकें, ठीक है। आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, बहुत कम ही स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। एक लाइक के बटन से क्या हो जाएगा, ठीक है, यही समझ लो कि मेरी फ़ीस है, ठीक है। एक दिन की फ़ीस आपकी एक लाइक है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अपने कीपैड को लेकर के एकदम रेडी हो जाइए अपने कीपैड के साथ में आंसर करने के लिए, ठीक है जी। शिवम शर्मा, गुड मॉर्निंग। BWF पोस्टपोन्ड 221 तक, वेरी गुड उपेंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट न्यूज़ क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 15 सितंबर ईच ईयर। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन विच ईयर। आपके ऑप्शंस हैं 2003, 2005, 2007 एंड 2009। बताएं। उमंग सिंह आंसर कर रहे हैं 2007। राजेंद्र बोल रहे हैं गुड न्यूज़ थी मैम, कहाँ पे गुड न्यूज़ थी। अच्छा राहुल जी बता रहे हैं 2005, वीरेंद्र 2003, ओके। और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 15 सितंबर ईच ईयर। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ रेजोल्यूशन पास बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन विच ईयर। ओके शिवम बता रहे हैं 2005, रतन मिश्रा बता रहे हैं 2007। अच्छा वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, ओके। राजेंद्र 2005 बता रहे हैं, ओके। गर्ल्स कहाँ हैं, गर्ल्स के आंसर नहीं आ रहे हैं। अजय 5 बता रहे हैं, ओके जी। नहीं, इसके इसका करेक्ट आंसर है आपका 2007, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 2007 में जी। उमंग का आंसर एकदम सही था, सबसे पहले आंसर किया था उमंग ने। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर 2007 से हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अब इस साल की 2020 की थीम क्या थी, कौन मुझे बताएगा इंटरनेशनल डेमोक्रेसी की थीम क्या थी 2020 की। जी हाँ प्रिया ने आंसर किया है 2007, वेरी गुड, ठीक है। तो इस बार आपकी जो 2020 की थीम थी, ठीक है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की, तो वो थीम है आपकी COVID-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी ऑन डेमोक्रेसी। क्लियर है? ये इसका कोई राहुल जी सॉरी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ राहुल, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। आपका आंसर गलत हो गया था क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस भी किया हुआ है, इसी को आपको आंसर करना है, ठीक है। जल्दी से आंसर करना शुरू कर दें, ठीक। लुइस हैमिल्टन ने सितंबर 2020 में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स में किसको हरा कर अपने करियर की 90 जीत प्राप्त की। लुइस हैमिल्टन अचीव्ड हिज 90th करियर विन बाय बीटिंग होम इन द टस्कन ग्रैंड प्रिक्स इन सितंबर 2020। आपके ऑप्शंस हैं मैक्स वर्स्टापन, चार्ल्स लेक्रेक, सी वोल्टारी बोटास या फिर सेबेस्टियन वेटल। बताइए।
प्रशांत यादव ने आंसर किया है सी. वीरेंद्र सिंह आंसर कर रहे हैं कोविड 19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी. वेरी गुड प्रशांत. कोविड 19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी. वेरी गुड प्रशांत ने सबसे पहले आंसर किया है सी. उमंग सिंह आंसर कर रहे हैं वोल्टेरी बोटास फिनिश ड्राइवर हैं ये. ओके ओके उमंग. वीरेंद्र आंसर कर रहे हैं बी. प्रशांत वोल्टेरी बोटास. राहुल जी सी. धर्मेंद्र सी. वेरी गुड. ओके कल मैंने ये डिस्कस भी किया था. संदीप आंसर कर रहे हैं सी. वीरेन चार्ल्स लेखरेक. ओके राजेंद्र सी बता रहे हैं. प्रिया सी बता रही हैं. जी नहीं इसका करेक्ट आंसर हाँ आपका वीरेंद्र का गलत है बट इसका करेक्ट आंसर क्या है वोल्टेरी बोटास. ठीक है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं. वेरी गुड. ठीक है अगर हम बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की तो ये आपके कौन है. ये पहली चीज़ तो ये है कि ये ब्रिटिश हैं. ठीक है इनकी नेशनैलिटी क्या है. ब्रिटिश है. और ये जो जिस मतलब यूज़ करते हैं जिस टीम से हैं वो कौन सी टीम है आपकी मर्सिडीज. ठीक है अगर हम बात करते हैं मैक्स वर्स्टैपेन की तो ये रेडबुल टीम के हैं. ठीक है ये कौन सी टीम के हैं. रेडबुल टीम के हैं. ठीक है चार्ल्स लेखरेक ये आपके हैं फेरारी के. ठीक है रेडबुल टीम ये फेरारी के को यूज़ करते हैं. ठीक है अगर चार्ल्स लेखरेक की बात करें तो ये आपके फेरारी के हैं. ठीक है ये आपके क्या हैं फेरारी के हैं. ठीक है वोल्टेरी बोटास भी आपके मर्सिडीज प्लेयर हैं. ठीक है और सेबास्टियन वेटल सॉरी ये रेडबुल नहीं है ये फरारी के हैं और सेबास्टियन वेटल आपके रेडबुल के हैं. ठीक है ये आपका हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है तो इन्होंने किसको हराया है. इन्होंने हराया है वोल्टेरी बोटास को. ठीक अब लुइस हैमिल्टन ने टोटल इस ईयर कल भी मैंने आपको बताया था कि टोटल इस ईयर 2020 में इन्होंने 6 ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं. ठीक है 6 ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं. अच्छा याद रखने के लिए गलत आंसर किया है. ओके चलिए ठीक है बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं आप लोग. ठीक है अगर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स को जो है वो जीता है. तो टोटल इन्होंने 6 विन की हैं ग्रैंड प्रिक्स. कौन कौन सी याद करने के लिए आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद कर सकते हैं. ठीक है जी हाँ वेरी गुड. प्रशांत ने आंसर किया है बेल्जियन टस्कन स्पैनिश हंगेरियन स्टेरियन ब्रिटिश ये सब जीता है 2020 में. वीरेंद्र बता रहे हैं 6 वेरी गुड. ठीक है तो इन्होंने कौन कौन सा जीता है. एक हो गया आपका बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है फिर उसके बाद हो गया आपका ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स. हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स इसके अलावा स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स और अभी जो हाल ही में जीता है इनकी लास्ट विन क्या है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स. चलिए आगे बढ़ेंगे. जी हाँ फिनलैंड के हैं. वोल्टेरी बोटास कहाँ के हैं आपके फिनलैंड के हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सितंबर 2020 में शेन वॉन को किस टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदर्शित किया गया था. शेन वॉन वॉज रिवील्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच टीम इन सितंबर 2020. आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान रॉयल दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर चेन्नई सुपर किंग. बताएं. विकास सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ. गुड मॉर्निंग विकास. प्रशांत ए आंसर कर रहे हैं. ओके उमंग सिंह ए आंसर कर रहे हैं. उपेंद्र ए आंसर कर रहे हैं. बलवंत ए आंसर कर रहे हैं. उमेंग राजस्थान रॉयल्स कैप्टन स्टीव स्मिथ. वेरी गुड उमंग. ओके जी हाँ बताइए. वीरेंद्र सिंह ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है. नो प्रॉब्लम. ठीक है शेन वॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है. ठीक है शेन वॉन की अगर हम बात करें तो ये आपके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है. ठीक है हाल ही में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है नो स्पिन.
ठीक है, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है आपका? नो स्पिन, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, ये आपकी इसका जो है वो है जयपुर की है ये, ठीक है। 2008 में सारे जितने भी आपके टीम्स हैं आईपीएल की उनका गठन हुआ था। इसके जो आपके कैप्टन हैं वो कौन है? स्टीव स्मिथ, ठीक है, स्टीव स्मिथ। दिल्ली कैपिटल के आपके कैप्टन कौन है? दिल्ली कैपिटल के एसपी यादव, गुड मॉर्निंग, ठीक है। दिल्ली कैपिटल के आपके जो कैप्टन हैं वो है श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर। और इसके कोच जो हैं दिल्ली कैपिटल्स के वो हैं आपके कौन? रिकी पॉन्टिंग, ठीक है जी। अमेरिकन प्लेयर एडेड इन कोलकाता नाइट राइडर्स, वीरेंद्र बता रहे, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा जो आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैं, इसके जो आपके कैप्टन हैं वो कौन है? विराट कोहली। और चेन्नई सुपर किंग्स के आपके कैप्टन कौन है? एमएस धोनी, ठीक है। ये कैप्टन आपकी टीम के कैप्टन जो है पूछे जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, उपेंद्र बता रहे हैं विराट कोहली, वेरी गुड, श्रेयस अय्यर, वेरी गुड, रतन श्रेयस अय्यर बता रहे हैं, वेरी गुड, विराट कोहली, माही, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सितंबर 2020 में किस देश के मंत्रिमंडल ने दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए मतदान किया है? इन सितंबर 2020 द कैबिनेट ऑफ विच कंट्री वोटेड टू इम्पोज अ सेकेंड नेशन वाइड लॉकडाउन? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, ओमान, यमन या फिर इज़राइल, बताएं। आंसर करिए, कौन से देश ने? ईरान, रतन मिश्रा बता रहे हैं ईरान, वीरेंद्र बता रहे हैं इज़राइल, प्रिया बता रही है मैम 14 का डी होगा, ओके। प्रशांत आंसर कर रहे हैं ईरान, वीरेंद्र आंसर कर रहे हैं इज़राइल, ओके, वेरी गुड। प्रशांत ईरान पे डटे हुए हैं, ओके। कार्तिक ए बता रहे हैं, एसपी यादव बी बता रहे हैं, ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कौन सी कंट्री है, ये आपकी जो कंट्री है वो है इज़राइल, ठीक है। इज़राइल ने फिर से बोला है कि हम पूर्णतया देश में लॉकडाउन करेंगे, ठीक है, सेकेंड नेशन वाइड लॉकडाउन, ठीक। इज़राइल की अगर हम बात करते हैं तो इज़राइल की कैपिटल अभी हमने जस्ट डिस्कस की है, जेरूसलेम है। इसकी करेंसी क्या है? न्यू शेकेल है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। उमंग सिंह बोल रहे हैं मैम मैंने सबसे पहले आंसर किया था, मेरा नाम आपने नहीं लिया। उमंग मैंने देखा नहीं आपका नाम, वैसे तो आप सारे आंसर्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। सर्वेश गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए तो इसराइल की को डिस्कस कर लिया है, ईरान की कैपिटल बताइए, ठीक है। ईरान की कैपिटल क्या है आपकी? तेहरान, ठीक है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और यहाँ की करेंसी क्या है? तेहरानी रियाल, ठीक है, सॉरी ईरानी रियाल, ठीक। अगर हम ओमान की बात करते हैं, ठीक, तो ओमान की आपकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? मस्कट, ठीक है, क्या हो जाएगी? मस्कट। और यमन की जो आपकी कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? सना, क्लियर है। और इसकी जो आपकी करेंसी है वो तीनों की ही रियाल है, लेकिन तीनों में ही अलग अलग होता है, दैट मीन्स ईरानी रियाल है, यहाँ पे आपकी ओमानी रियाल है, और यहाँ पे आपकी येमेन से रिलेटेड जो होती है उसको बोलते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इशू कर रहा है कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। सर यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑन ऑफ हो रहा है, ये स्क्रीन, कमेंट्स स्क्रीन, चलिए ठीक है, मैं तब तक आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सितंबर 2020 में किस कंपनी के सीईओ ने घोषणा की है कि कंपनी अपने संपूर्ण कार्बन लिगेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। वीरेंद्र सिंह बता रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने गरिमा स्कीम लॉन्च की है, वेरी गुड। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। प्रशांत आंसर कर रहे हैं गूगल,
वीरेन सिंह बोल रहे हैं, योर मैम योर एनर्जी इज एडमायरेबल. जी हाँ, थैंक यू सो मच वीरेंद्र, आई एम एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है. इन सितंबर 2020, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है, कल की न्यूज़ में ये क्वेश्चन बताया गया है. ठीक है, वीरेन सिंह आंसर कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट. ओके, सर्वेश आंसर कर रहे हैं गूगल. मानवेंद्र सी, प्रशांत गूगल, संदीप गूगल. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल या फिर सैमसंग, बताइए. कार्तिक बता रहे हैं गूगल. ओके, सुमित बता रहे हैं 15 का डी, सैमसंग. वीरेन आंसर कर रहे हैं गूगल, वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कौन सी कंपनी ने किया है वो है सुंदर गूगल. ठीक है, जिसके CEO सुंदर पिचई ने इसकी अभी कल ही अनाउंसमेंट की है. ठीक, माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गूगल. ठीक है, गूगल की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो गूगल को का जो बना था, ये बना था 1998 में. इसका हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया में. ठीक है, कैलिफोर्निया US में इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, और जो आपकी गूगल है उसके फाउंडर कौन है, लैरी पेज. ठीक है, गूगल के फाउंडर. कभी कभी आपको जो है कंप्यूटर का अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में, तो उसमें गूगल के फाउंडर के रूप में पूछा जा सकता है कि इसके फाउंडर कौन है, तो आपको आंसर बताना होगा लैरी पेज. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी स्टैटिक के रूप में आता है, कभी कभी GS में भी आ जाता है. जी हाँ उमंग सिंह, मैंने इस बार आपका आंसर पढ़ लिया है. आप बता रहे हैं कि आंसर गूगल है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, और इसके CEO सुंदर पिचई हैं. ओके, वेरी गुड. ठीक है, विपिन आंसर कर रहे हैं गूगल. SP यादव आंसर कर रहे हैं गूगल. रतन मिश्रा बोल रहे हैं उमंग भैया इतना ज़्यादा आंसर करते हैं आप. रतन मिश्रा, उमंग भैया नहीं है, उमंग छोटे से बच्चे हैं, वो 15 इयर्स के हैं, आई थिंक 10 या 12 इयर्स के होंगे, 15 इयर्स के भी नहीं होंगे अभी. और उनको ये क्लास अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है, उनको जनरल नॉलेज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो यहाँ पर क्लासेस अटेंड करते हैं और मतलब बस आंसर करते रहते हैं ऐसे ही. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. CEO कौन है यहाँ के, सुंदर पिचई. ठीक है, सुंदर पिचई. माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये आपका 1975 में बना था. ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, आपके बिल गेट्स हैं, और आपके यहाँ के जो CEO हैं वो क्या है, आपका आपके सत्या नडेला. ठीक है, कौन है, सत्या नडेला. ठीक, चलिए आगे. साउथ सैमसंग की आपकी जो ये है कंपनी, ये कहाँ की है, सियोल की है, साउथ कोरिया की. ठीक है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म है, 1911 में इसका गठन हुआ था, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में. ठीक है, न्यूयॉर्क USA में. चले आगे बढ़ते हैं. रतन बोल रहे हैं सॉरी छोटे भाई, हाँ ये बहुत छोटू से हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका. जी हाँ, संदीप बता रहे हैं बिल गेट्स, वेरी गुड. वीरेंद्र, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वेरी गुड. इसका फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर के एग्जाम में, कंप्यूटर का अगर कभी एग्जाम होता है किसी, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, IBM का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. ओके, नो मैम 10 ईयर्स. ओके, जी हाँ उमंग अभी 10 ईयर्स के ही हैं. ठीक, बट उन्हें क्लासेस करना, ये अटेंड करना जनरल नॉलेज की पसंद है, इसलिए वो क्लास अटेंड करते हैं. चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है. विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज सॉट पार्लियामेंट अप्रूवल टू इन्फ्यूज 20,000 करोड़ रुपीज इंटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स. आपके ऑप्शन हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय, SEBI, RBI. ठीक है, SEBI, RBI, और आप एक और ऑप्शन ले लीजिए, SBI. चलिए बताइए. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका. धर्मपाल ने आंसर किया है, वेरी गुड. MOF बता रहे हैं, तानाशाह किंग जो हाँ बोल रहे हैं, मानवेंद्र 16 का बी, सुमित BA क्या बोल रहे हैं, SEBI है, RBI है, SBI है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, बताएं. वीरेन सिंह आंसर कर रहे हैं SEBI. चलिए आंसर करें. प्रिया तिवारी आंसर कर रही हैं A, सर्वेश B, वीरेंद्र SBI, रवि A, प्रशांत A. ओके,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, अब यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है, तो ये कौन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, जी हाँ, उमंग ने आंसर किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुमित यादव ए आंसर करें, बलवंत ए, राजेंद्र सी, सुमित ए, वेरी गुड। ठीक है, तो मिनिस्टर आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, सेबी की अगर हम बात करते हैं तो इसका आपका गठन हुआ था 1992 में, 12 अप्रैल 1992 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, मुंबई में है। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, अजय त्यागी हैं। ठीक है, आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में इसका गठन हुआ था, इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, और साथ में इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, एसबीआई भी आपको पता ही है, 1955 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक, और इसके जो आपके अभी हैं वो कौन है, रजनीश कुमार हेड है। ठीक, और हेडक्वार्टर आपका अगेन वहीं मुंबई। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने रणनीतिक हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के समर्थन में मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। विच कंट्री हैज साइंड अ फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस कॉपरेशन विद द मालदीव्स टू डीपन एंगेजमेंट इन सपोर्ट ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द स्ट्रेटेजिक इंडियन ओशन। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, अमेरिका या फिर चाइना, बताएं। वीरेन सिंह अमेरिका बोल रहे हैं, राजेंद्र बी बता रहे हैं अमेरिका, ओके, और बताइए, मतलब अब सारे समझौते अमेरिका ही करवाएगा ना। राजेंद्र बी बता रहे हैं, सुमित सी बता रहे हैं, वीरेंद्र यूएसए, राजेंद्र बी, ओके, और बताइए, कार्तिक पटेल बी आंसर कर रहे हैं, सतीश बी, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, सबके आंसर मैं बता देती हूँ गलत हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका गलत नहीं है, सही है। ठीक है, क्या है, अमेरिका ही है। ठीक, अमेरिका ने ही कराया है। अगर हम बात करते हैं, जी हाँ, सही है आप सभी के आंसर। ठीक है, अमेरिका एकदम सही है, मालदीव्स, वीरेन सिंह आंसर बता रहे हैं, मालदीव्स की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, माले है, और इसकी जो करेंसी है, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, माले है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, रुफिया है। ठीक है, रुफिया। जर्मनी की कैपिटल आपकी बर्लिन हो जाएगी, और इसकी जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान का की कैपिटल क्या है आपकी, टोक्यो, और इसकी करेंसी क्या है, येन। अमेरिका की आपको पता ही है कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की जो आपकी करेंसी है वो क्या है, डॉलर है, और उसके अलावा आपके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ओके जी, सभी के आंसर सही थे। चाइना भी आपको पता है, इसकी कैपिटल बीजिंग है, यहाँ की जो करेंसी है वो दो करेंसी चलती है, रेनमिनबी, साथ में युआन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी जिनपिंग। क्लियर है इतना सबको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सितंबर 2020 में हरिवंश नारायण सिंह को किस पद पर फिर से चुना गया है। इन सितंबर 2020 हरिवंश नारायण सिंह हैज बीन री इलेक्टेड एट विच पोस्ट। आपके ऑप्शंस हैं राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर आपका लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर, दैट मीन्स लोकसभा उपाध्यक्ष। सुमित बोल रहे हैं मैम आप गलत बोल रही थी, क्या गलत बोल रहे थे, अच्छा क्वेश्चन का आंसर, मैं ये चेक करना चाहती थी कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने आंसर को लेकर के। ठीक है, कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस भी तो चेक करना चाहिए ना। चले, उमंग सिंह आंसर क्या बता रहे हैं, यूएस बता रहे हैं, वॉशिंगटन, ओके, अच्छा यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी बता रहे हैं। प्रशांत आंसर कर रहे हैं बी, रतन बता रहे हैं उपसभापति, अजब बी, वीरेन सिंह राज्यसभा डिप्टी स्पीकर, राजेंद्र कुमार डी बता रहे हैं, मनीष सिंह बी बता रहे हैं, प्रिया बी बता रही है, वेरी गुड। ठीक है, आप सभी को आंसर पता है, इसका आंसर क्या होगा, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बनाए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है जल्दी से कमेंट करें। धर्मपाल आंसर कर रहे हैं बी, वेरी गुड, ओके, कार्तिक बी बता रहे हैं, राज्यसभा चेयरमैन बताइए। ठीक है, राज्यसभा चेयरमैन,
आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। कौन है? एम वेंकैया नायडू, ठीक है। लोकसभा स्पीकर कौन है आपके? ये हैं आपके ओम बिरला, ठीक। ये कौन है आपके? ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और ये आपके कौन है? ये हैं आपके एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, वेरी गुड। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था जून 2020 में 4% के मुकाबले कितने प्रतिशत कम होगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सपेक्ट्स इंडियाज इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज अगेंस्ट 4% फोरकास्ट इन जून 2020। आपके ऑप्शंस हैं 5%, 6%, 7% या फिर 9%। जी हाँ, ओम बिरला आंसर आ रहा है। प्रिया का उमंग बता रहे हैं राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन, संदीप ओम बिरला, प्रिया वाइस प्रेसिडेंट, प्रशांत ओम बिरला, वेरी गुड। जी रतन ने आंसर किया है 9%, प्रशांत 9%, वेरी गुड। कार्तिक बी बता रहे हैं 6%, सुमित ओम बिरला, प्रशांत 9%, वीरेन 9%। जी बिल्कुल सही है, आपका आंसर 9% होगा। इसका हमने अभी डिस्कस भी किया था, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जरा सी हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1966 में। इसमें टोटल 68 कंट्रीज़ हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मनीला फिलीपींस में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में है। याद रखिएगा, मनीला है, मनाली नहीं है, ठीक है। कुल्लू मनाली वाला मत पहुँच जाना, यहाँ पे मनीला फिलीपींस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके हेड की, तो वो कौन है आपके? असाकावा, ठीक है। कौन है वो? असाकावा, ठीक है। चले, अभी हाल ही में एक कंट्री हेड बनाए गए हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के लिए एक कंट्री हेड बनाए हैं, उसका नाम बताना है आपको। जी हाँ, मनीष सिंह आंसर कर रहे हैं मनीला फिलीपींस, वेरी गुड। सुमित बता रहे हैं 19 का सी आंसर डी होगा, ठीक है। राजेश खुल्लर न्यू अपॉइंटमेंट है, ओके। हाँ, राजेश खुल्लर न्यू अपॉइंटमेंट है, अभी आएगा क्वेश्चन आगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये आपके हाँ, ये मसत्सुगु है, ठीक है। मसत्सुगु असाकावा, ठीक है। अभी कल ही मैंने डिस्कस किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन कंट्री हेड इंडिया के लिए, बताइए। कल डिस्कस किया था क्लास में, वेरी गुड। मसत्सुगु असाकावा, उमंग बता रहे हैं, वीरेंद्र बता रहे हैं, संदीप बता रहे हैं, वेरी गुड। जी हाँ, कोनिशी, प्रशांत का आंसर आया है ताकियो कोनिशी, वेरी गुड प्रशांत, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ताकियो कोनिशी को बनाया गया है इंडिया का एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कंट्री हेड। ये इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, जापान के बताइए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कल ये भी डिस्कस हुआ था अपॉइंटमेंट में, जापान के प्रेसिडेंट बताना है आपको। अभी तो सॉरी, प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर, चलिए जब तक आप लोग बताते हैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन शॉर्ट्स नामक सोशल मीडिया प्रतिद्वंदी टिकटॉक के अपने संस्करण को शुरू कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोलिंग आउट इट्स वर्जन ऑफ सोशल मीडिया राइवल टिकटॉक नेम्ड शॉर्ट्स, बताएं। सुगा, वेरी गुड। प्रशांत बता रहे योशीहिदे सुगा, वीरेन सिंह बता रहे योशीहिदे सुगा, वेरी गुड। जी हाँ, उमंग आप अब एक ही बार कमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा आप कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए योशीहिदे सुगा, वेरी गुड। वीरेंद्र, प्रशांत, ठीक है। हाँ, कौन हो जाएंगे आपके? योशीहिदे सुगा, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर। हाँ उमंग, मैंने आपका आंसर पढ़ लिया है। रतन मिश्रा आंसर बता रहे हैं इंस्टाग्राम, ओके। मानवेंद्र 20 का बी, उपेंद्र बता रहे हैं डी, ओके। बताइए इसका आंसर, डी आ रहा है मानवेंद्र बता रहे हैं बी, उपेंद्र बता रहे हैं डी, ओके।
प्रिया तिवारी सुगा, योशिहिदे सुगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आकाश जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग आकाश, काफ़ी लेट आए आप क्लास में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आपका यूट्यूब, ठीक है। किसने शुरुआत की है? यूट्यूब ने शुरुआत की है आपके शॉर्ट्स नामक एक वर्जन को, जो कि सोशल मीडिया वर्जन है किसका? टिकटॉक का, ठीक है। जी हाँ, उमंग बता रहे हैं यूट्यूब, और इसके जो हेड हैं सुशन योजकी की, ठीक है। जी हाँ उमंग, अब इससे ज़्यादा आपके आंसर नहीं आने चाहिए, मैंने आपका आंसर पढ़ लिया। सुमित बता रहे हैं बी, धर्मपाल बता रहे हैं सी, प्रिया बता रही हैं बी, न्यूज टुडे आंसर कर रहे हैं सी, उपेंद्र सी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। यूट्यूब की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में, कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। और YouTube का आपका जो गठन हुआ था वो हुआ था 2005 में, ठीक है, कब हुआ था? 2005 में, ठीक है। Facebook की अगर हम बात करते हैं तो ये 2004 में बना था, ठीक है, 2004। इसकी भी आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में है, और इसके हेड कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। हाँ उमंग, मैं आपका बार पहले ही पढ़ लिया है मैंने आपका आंसर, ठीक है। चलिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम कौन है आपके? इंस्टाग्राम के आपका 2010 में बना था, और इसकी पेरेंट कंपनी आपकी फेसबुक ही है। व्हाट्सएप की भी पेरेंट कंपनी कौन है आपकी? फेसबुक ही है। और व्हाट्सएप आपका कब बना था? ये हुआ था आपका 2009 में, ठीक है। व्हाट्सएप आपका आया था 2009 में, और इसकी भी पेरेंट कंपनी कौन है आपकी? फेसबुक ही है। कैलिफोर्निया यूएस इसका आंसर हो जाए, हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर यूट्यूब ने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट है। टिकटॉक राइवल, टिकटॉक का नया वर्जन लाया है शॉर्ट्स नाम से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने राज्य के मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गरिमा, अ न्यू स्कीम टू इंश्योर सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ कोर सैनिटाइजेशन वर्कर्स ऑफ द स्टेट। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। जी दीपक आंसर कर रहे हैं सी यूट्यूब, मनीष आंसर कर रहे हैं यूट्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, न्यूज़ टुडे आंसर कर रहे हैं सी, संदीप आंसर कर रहे हैं सी, वेरी गुड, दीपक आंसर कर रहे हैं ए, वीरेंद्र उड़ीसा, ओके, दीपक ए बता रहे हैं बिहार, ओके, और बताइए, रोशनी आंसर कर रही हैं उड़ीसा, वेरी गुड, ठीक है। जी हाँ, आंसर आपका करेक्ट क्या है? उड़ीसा है, ठीक। उड़ीसा में गरिमा नाम से आपका जो एक स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में अभी प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने आपके जो है वो 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके स्कीम्स हैं उनको लॉन्च किया है, ठीक है। और इनॉग्रेशन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको कि 541 करोड़ की, ठीक है, 541 करोड़ की लागत से शुरू किया गया है, ठीक है। जी हाँ, अगर हम गणेशी लाल बता रहे हैं, ओके, वेरी गुड, उड़ीसा के जो उमंग सिंह बता रहे हैं, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, और इसके जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और इसके जो आपके गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल, वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट ने 3000 जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, 3000 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उनको डिजिटाइज करने का निर्णय लिया है, ठीक है, उनको डिजिटाइज करने का निर्णय लिया है। दैट मीन्स जो आपकी हस्तलिपि है उसको अब डिजिटाइज कर लेंगे, ठीक है। जी हाँ, सेकंड एम्स इन दरभंगा बिहार, और वीरेंद्र सिंह बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका बिहार में सेकंड एम्स भी बनने वाला है। मनीष सिंह आंसर करें 541, कृष्णा आंसर करें हैं बी, वेरी गुड, ठीक है। उमंग सिंह उड़ीसा, भुवनेश्वर, नवीन पटनायक, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपकी जो है वो ऐसा आपका फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसमें कि आपकी जो कोविड टेस्टिंग है उसकी सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। दीपक बोल रहे हैं यू आर ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच दीपक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में शहरी आधारभूत संरचना से जुड़ी कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन सितंबर 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार। आपके ऑप्शन हैं 5, 7, 9 या फिर 2, बताएं। पटना साहिब से चल नहीं रही है, दूसरा बनाया जा रहा है, क्या चीज नहीं चल रही है? एम्स। ओके, रोशनी आंसर करिए 9, रवि आंसर करे हैं बी, उपेंद्र 9, वीरेंद्र सिंह 9, नीरज 9, वीरेंद्र 9, 9 कैसे हो जाएगा, दीपक 9। ओके, अभी मैंने जस्ट आपको आंसर बताया है, जस्ट इसका आंसर बताया है इसके पहले क्वेश्चन में। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कितनी स्कीम बनाई गई हैं? 7, ठीक है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग, सब लोग। तो आंसर क्या है? 7, अजब ने आंसर किया है 7, वेरी गुड, ठीक है। प्रशांत 7, वेरी गुड। मानवेंद्र सी बता रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 योजनाओं को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक। बिहार के बारे में आपको पता है इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? जी हाँ, डी आंसर नहीं है, ठीक। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? आपकी पटना। यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस राज्य ने एक वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहक वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड एम्बुलेंस स्टेटस टू द व्हीकल्स कैरिंग मेडिकल ऑक्सीजन फॉर 1 ईयर? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, बताएं। जी हाँ, बिहार की कैपिटल बता रहे हैं पटना, वेरी गुड। प्रशांत, दीपक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। उमंग आंसर कर रहे हैं 7, रोशनी ने आंसर किया है महाराष्ट्र, वेरी गुड। संदीप बी, मानवेंद्र बी, कृष्णा बोल रहे हैं मैम मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं कृष्णा, अभी आंसर जब मैं बताऊंगी तब आप याद कर लीजिएगा। दीपक आंसर कर रहे हैं बी, तेलंगाना, ओके। रोशनी तेलंगाना, रोशनी आपने पहले आंसर सही किया था। वीरेंद्र तेलंगाना बता रहे हैं गलत आंसर है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ने इसकी शुरुआत की है, ठीक। महाराष्ट्र की बात कर लें तो इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। इसके जो आपके इसके आपके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? आपके उद्धव ठाकरे, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोशियारी, ठीक है। पंजाब की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी चंडीगढ़ हो जाएगी, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। इसके जो आपके गवर्नर हैं वो हैं वीपी सिंह बाडनोर, ठीक। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की जो आपकी कैपिटल है वो है हैदराबाद, यहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं केसीआर के चंद्रशेखर राव, और जो गवर्नर हैं वो हैं टी सौंदर्य राजन, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप सभी को पता है इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी बाबा, जिनसे आप सभी बहुत खफा हैं आजकल, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल, ओके। उमंग सिंह आंसर कर रहे हैं महाराष्ट्र, मुंबई और उद्धव ठाकरे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सितंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इन सितंबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एशियन डेवलपमेंट बैंक? आपके ऑप्शन है समीर कुमार खरे, राजेश खुल्लर, अरुण कुमार या फिर चेतन सिंह। जी हाँ, वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, जी हाँ, महाराष्ट्र की स्कीम है, ठीक है। अजब बता रही हैं सी, संदीप सीएम योगी, ओके। गुर्जर रितेश गुर्जर आंसर कर रहे हैं बी, रोशनी मिश्रा, अरुण कुमार, ओके। और बताइए, बी आंसर आ रहा है, वीरेंद्र सिंह, राजेश खुल्लर आंसर कर रहे हैं, ओके।
संदीप बी बता रहे हैं, मनीष अरुण कुमार, आर्यन शर्मा बी, प्रशांत, राजेश खुल्लर, प्रिया बी, संदीप, राजेश खुल्लर। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि राजेश खुल्लर आंसर नहीं है, राजेश खुल्लर आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। राजेश खुल्लर आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, ना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के। कन्फ्यूजन हो रहा है आप सभी को, गलत आंसर है, ठीक है। सही आंसर क्या है आपका? समीर कुमार खरे, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है। अरुण कुमार जी की बात कर लें तो ये हैं आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये आपके सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल हैं, और राजेश खुल्लर आपके जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के क्या हैं? डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, रोशनी बोल रही है मैम मेरा सही है। रोशनी आपका कमेंट शायद मैं पढ़ नहीं पाई। वीरेंद्र सिंह बता रहे हैं समीर खरे, वेरी गुड, ठीक है, ए आंसर होगा। जी हाँ, सभी का आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस भी किया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहेगी? S&P ग्लोबल रेटिंग्स एक्सपेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एट हाउ मच परसेंट फॉर 2021-22 फिस्कल। आपके ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या फिर 10। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ध्यान से करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कन्फ्यूजिंग है। बताएं, ओके, 24 का ए आंसर कर रहे हैं उमंग सिंह, वीरेंद्र सिंह 9% बता रहे हैं, दीपक ए बता रहे हैं, मनीष 8, संदीप बी, गुर्जर सी, ओके, मानवेंद्र ए, अजब ए, वीरेंद्र 9%, मानवेंद्र ए बता रहे हैं, ओके, दीपक ए बता रहे हैं, सभी का आंसर गलत है। गुर्जर रितेश बता रहे हैं मैम सी होगा, ओके, सी भी आंसर गलत है। ओके, कौन कौन 9% बोल रहा था, सबका आंसर तो गलत हो गया, ठीक है। आर्यन शर्मा डी बता रहे हैं, ओके, दो आंसर तो आपके गलत हो गए। नीरज मौर्य सी बता रहे हैं, ए और सी तो गलत हो गया। अब बताइए, 7, 7, 7, 8 अभी भी वही आंसर आ रहा है, ए। सुदीप 9 बता रहे हैं, राजेंद्र ए बता रहे हैं, मनीष सिंह 10 बता रहे हैं। इससे पहले अब देखो, अब आंसर आना बी शुरू हो गया, बी और डी आंसर आना शुरू हो गया। ए बी भी गलत है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? 10 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आर्यन शर्मा ने सबसे पहले इसका आंसर सही किया था, उमंग सिंह आंसर अब 10 कर रहे हैं, रवि वर्मा 10, वीरेंद्र सिंह 8% पे डटे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 21-22 का, ठीक है, 20-21 का क्वेश्चन नहीं है। 20-21 का बोलता तब वो 9% होता, लेकिन यहाँ पे 21-22 बोला है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10% होगा, ठीक है। जी हाँ, तो चलिए, हाँ 10 हो गया, 10 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन, जी हाँ रितेश बोल रहे हैं मैम गलत हो गया, सबका आंसर गलत हो गया। मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, ठीक। चले, अब देखिए आज का सेशन हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे, जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है, टाइम से आ जाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।